हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथे में अकेडमी। जैसे कि आपको पता है, 12th का एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और एग्जाम होते ही आपका इंग्लिश का पेपर भी खत्म हो चुका है। लेकिन आपका 5 और 7 को जो पेपर होने वाला था वो अब कब होगा? 5 और 7 अप्रैल को होगा। लेकिन नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला ऑफलाइन पेपर जो है वो आपका पेपर कब होगा? 10 मार्च को होगा। अब ये 10 मार्च को कौन सा पेपर होगा? 10 मार्च 2022 को ये पेपर आपको होने वाला है फिजिक्स। अब ये फिजिक्स के रिलेशन ही आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन फिजिक्स के अंदर करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा से फिजिक्स में फेल होते हुए आए हैं। अब वो फेल होते हुए क्यों आए हैं उसके भी बहुत सारे वजह है। तो सबसे पहले आपको पेपर प्रेजेंटेशन के इसमें जो आपको चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं उसका स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, वो सब हम लोग देख लेते पहले। उम्मीद करता हूं आप देख के पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जाम। अगर एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाना है, एग्जाम में एग्जामिनर के आपको सामने आपको पेपर प्रेजेंटेशन करने आना ही चाहिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे आप स्कॉलर है, कितने भी अच्छे आप स्कोर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन एग्जाम के अंदर करने नहीं आता है तो ये आपका बैड लक है। इससे आपका स्कोर आप जो करने वाले एग्जाम के अंदर वो हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आप चैप्टर देख लेते हैं यहाँ पे कि चैप्टर में आपको क्या क्या करना। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? फिजिक्स का जो आपको नया सिलेबस है, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, अब ये सोच रहे हो ये क्या दिया हुआ, टेंशन मत लो, वो भी बता रहा हूँ कि क्या दिया हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या दिया हुआ? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तीसरा क्या दिया हुआ? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। चौथा चैप्टर क्या यहाँ पे? थर्मोडायनामिक्स। पांचवा ऑसिलेशन। सिक्स क्या यहाँ पे? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सेवन क्या है? वेव ऑप्टिक्स। आठवा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाइन क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। टेन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। 11 क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, 12 क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 13 क्या है? एसी सर्किट। और यहाँ पे 14 क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। 15 क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। 16 एंड लास्ट वन ऑफ फिजिक्स चैप्टर का क्या है? सेमी कंडक्टर डिवाइस। मतलब अभी आपका सिर्फ 16 चैप्टर्स है, 16 चैप्टर फिजिक्स के अंदर है। पहले के अगर आपके 4 साल पहले पीछे जाएंगे ना तो आपको 20 चैप्टर मिलते थे आपको। मतलब आपको ये मत समझिएगा कि 16 चैप्टर कम है, नहीं, क्योंकि पहला चैप्टर जो है यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स को मर्ज करके बनाया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो मैं आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है वो आपको मार्क्स है, मतलब उतने मार्क्स का आपको एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाने वाला है। मतलब रोटेशनल जो डायनामिक्स चैप्टर है उसमें आपको 5 मार्क्स कंपलसरी आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है, लेकिन 7 मार्क्स के साथ पूछा जाएगा। क्या 5 मार्क्स तो पूछा ही जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स और पूछा जाएगा एडिशनल में, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन मार्क्स। तो ऐसे ही यहाँ इसमें से 5 7 मतलब पूरा मिला के 7 मार्क्स का पूछा जाएगा फर्स्ट चैप्टर से, इसमें भी 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखिए ऐसे जो लेफ्ट साइड में है वो कंपलसरी, मतलब वो आपको पूछा ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन के साथ आपको इतना मार्क्स मतलब एडिशनल मार्क्स ऑप्शन मार्क्स भी आपको दिया जाएगा। तो टोटल आपको 70 मार्क्स का पूछा जाने वाला है और ऑप्शन के साथ देखा जाए तो 98 मार्क्स का आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अब आप सोच लो कि आपको क्या क्या स्किप करने का, आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठा लो। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको मालूम होना चाहिए कि मार्किंग स्कीम क्या है। अब पेपर प्रेजेंटेशन करना क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। कितना? ओनली 2 डेज बचा हुआ है। ठीक है, अभी 10 मार्च को आपको पेपर है। अब करना क्या, सबसे पहले देखो, जब भी आपका पेपर आता है फिजिक्स का, स्पेशली फिजिक्स की बात करूंगा मैं, जब भी आपका पेपर आ रहा है तो पेपर को एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ने का है। मतलब स्टार्ट से लास्ट तक का आपको पेपर जितना भी दिया हुआ है आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको देना है वो पेपर को। प्रेजेंटेशन मतलब पढ़ना है, पेपर को रीड करना है अच्छे से क्वेश्चन पेपर में। अब वो रीड करने के बाद आपको 10 मिनट के अंदर आप कैलकुलेशन दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको फिगर आउट करके रखना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करने का, ये आप तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन बिठा लो। ठीक है, अब चलो ये हो गया, आपको मालूम पड़ गया कि भाई मेरे को ये आता है। अब आने में भी 2 तरीका है, एक परफेक्ट आता है, एक थोड़ा थोड़ा आता है। ऐसा बोलते हैं ना भाई, एक मेरे को पूरा पूरा आता है, एक थोड़ा थोड़ा आता है। तो पहले जो आपको 100% आ रहा है वो क्वेश्चन की तरफ आपको फोकस करने का है, जो आपको थोड़ा थोड़ा आता है, जो बोलते हैं ना 50-50, 50% आ रहा है 50% नहीं आ रहा है, उसको थोड़े टाइम बाद देखने का है। ठीक है, अब ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या हुआ, देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैथ्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब मैथ्स में भी देखिए ऐसे कोई भी मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला चैप्टर जो आपको पड़ेगा डेरिवेटिव, क्योंकि फिजिक्स का जितना भी आपका डेरिवेशन है, देखो डेरिवेशन नाम ही ऐसा है, दैट फॉर डेरिवेटिव। अब वो पूरा डेरिवेटिव के बेसिस पे है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यूटन्स लॉ का आप कोई डेरिवेशन सॉल्व कर रहे,
तो ध्यान में रखिए कि जब भी आप डेरिवेशन सॉल्व कर रहे तो वो टाइम पे आपको डायग्राम निकालना मस्ट है। मैक्सिमम डेरिवेशन में आपको डायग्राम के ऊपर पूरा कैलकुलेशन रहता है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर तो रहता है लेकिन बायोलॉजी के अंदर कैलकुलेशन नहीं रहता है। लेकिन आपको फिजिक्स के अंदर जब आप डेरिवेशन निकालेंगे तो आपको जो डायग्राम है वो आपको निकालना मस्ट है, मैंडेटरी है। अब वो डायग्राम के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत करना पड़ता है क्योंकि कौन सा आपको जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम में कहां से फोर्स आ रही है, कितना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, कहां की ग्रेविटी को हो जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, वो सब आपको एक्सप्लेनेशन थ्रू दी फिगर से आपको निकालना है। उसके बाद फ्रॉम दी फॉर्मूला आपको मालूम रहता है कि ये फॉर्मूले से है, फिर वो फॉर्मूले कहां पे पुट अप करना है। उसके बाद जब भी डेरिवेशन आपका निकलेगा तो आप उसको बॉक्स के अंदर करेंगे, आपका डेरिवेशन का जो फाइनल आंसर आएगा वो बॉक्स में करेंगे, दैट इज मैंडेटरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी लिखता हूं, ध्यान में रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो। ठीक है, याद रखो। अब ये पहला पार्ट हो गया आपका, पेपर प्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा पार्ट आपको, जब भी आप कैलकुलेशन का काम कर रहे हो, कैलकुलेशन का काम मतलब जो आपका फिजिक्स में दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम दिया हुआ, प्रॉब्लम मतलब आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता ना वो अगर दिया हुआ है तो आपको हमेशा हमेशा लॉग टेबल ही यूज करना है। इसलिए बोल रहा हूं लॉग टेबल हमेशा से आपको, मैं बोल रहा था कि लॉग टेबल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि 12 का जो फिजिक्स के जो प्रॉब्लम है वो लॉग टेबल के बिना इजी वे में सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आपका कोई आंसर आया, कोई भी आंसर आया जो आपका राइट आंसर आपको लगता है ये राइट आंसर है, तो वहां पे भी आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी है अगर पेपर प्रेजेंटेशन आपको अच्छा देना है तो। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर लाना है तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आपका कहीं भी आपने काम कर रहे, न्यूटन्स लॉ डेरिवेशन आपने, अब आपको न्यूटन्स लॉ नहीं लिखना था, कुछ और लॉ लिखना था, तो आपको करना क्या है, प्यार से इसे कट करना है, ऐसे कट करना है, ऐसा नहीं उसको ऐसा ऐसा नहीं कट करना है, उसको ऐसा करना ही नहीं है, मतलब आपको एकदम प्यार से इसे कट करना है उसको, ताकि पेपर में ऐसा ना लगे कि आप उसको बहुत गंदगी से लिख रहे, बैड माइनर आपको यूज करना ही नहीं है, आपको एकदम प्यार से उसको कट करना। गलती हो सकती है, तो गलती भी हो तो एकदम प्यार से कट करने का। आपका पेपर प्रेजेंटेशन में पता चल गया न्यूमेरिकल्स को आपको जब भी आएगा बॉक्स में करने का है, डेरिवेशन का जो पार्ट हो गया आपको उसके अंदर आपका जो डायग्राम है वो निकालना मस्ट है, मतलब हर डेरिवेशन के अंदर मैक्सिमम चीजें आपको डायग्राम के ऊपर ही दिया जाने वाला है। ठीक है, अब देखो मेन पार्ट आता है आपका थियरी। थियरी मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्चुअल रहता है, कॉन्सेप्चुअल मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब भी ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डेफिनेशन है। अब वो डेफिनेशन जो है तो स्टार्ट कीजिए, इट इज डिफाइंड एज दी, किससे स्टार्ट करेंगे, इट इज डिफाइंड एज दी, फिर उसका आप यहाँ पे लिखिए कि इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब वो आप लिखते हो तो कोशिश करो, स्पेशली फिजिक्स के अंदर कोशिश करो कि जब भी डेफिनेशन आप लिखते हो उसके बाद उसको ना मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड करो। मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड मतलब आप जो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हो तो F इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा आपको मैथमेटिकली, ऐसा लिखते हो आप मैथमेटिकली। मैथमेटिकली मतलब आपने डेफिनेशन आपको आपने थ्योरेटिकली तो बता दिया लेकिन मैथमेटिकली इसका कंसेप्चुअल क्या है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला है। मतलब आपने फॉर्मूले से भी बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आपने थ्योरेटिकली भी बताया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा मालूम है, इसमें अगर आपको 2 मार्क्स है तो पूरे आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ थियरी लिखते हो तो थियरी लिखने में आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि 2 मार्क्स है तो 100% बोल रहा हूं आधा मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि थियरी तो हर कोई करेगा भाई, लेकिन ये आपने कुछ यूनिक किया है, कुछ अलग किया आपने, तो मैथमेटिकली करने के बाद आपको जो आधा मार्क्स कटने वाले थे वो आप पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर के अंदर मैक्सिमम आपको थियरी किसके अंदर आने वाला है, 16 चैप्टर, सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो आपको एनपीएन पीएनपी ये सब चीजें ही आपको आने वाले हैं, थ्योरेटिकली पार्ट है सब, तो ये आपको मैक्सिमम आपको सेमीकंडक्टर से आने वाला है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चैप्टर नंबर 2 से भी आपको थ्योरी आने वाला है क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, और कहां से थ्योरी आएगा, चैप्टर नंबर 4 से भी आपको थ्योरी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब आने वाला है। ठीक है, और देखो और किसके अंदर आ सकता है थ्योरी आपका, और किसके अंदर आ सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी बहुत
टफ आते हैं, इजी भी आता है, लेकिन वो आपको सोचने के ऊपर, आपके इमेजिन के ऊपर, क्योंकि आप करंट देख नहीं सकते लेकिन आपको समझ में आ रहा है, वो आप इमेजिन जितना अच्छा करेंगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम उतना इजी वे में सॉल्व होने वाला है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपका 15 चैप्टर इजी वे में निकलने वाला है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो ये चैप्टर भी स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, वेव वेव मतलब यहाँ पे आप जो वेव पढ़ते हैं ना, यहाँ पे दो टाइप के वेव जो होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, वो सब वेव का आपको इसके अंदर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, मतलब आपको कॉन्केव लेंस वगैरह, जो कॉन्वेक लेंस और कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो आप है ना लेंस, उसके बारे में आपको साथ में पढ़ने का है। वैसे बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल ऐसे है जो मैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं, जो मैग्नेट का बिहेवियर रखते हैं, मतलब कैसा, वो मटेरियल के पास जाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये चैप्टर के अंदर आपको वही पढ़ने का है। चलिए ठीक है, आप खत्म हो गया, एक दिन में सर कुछ नहीं पढ़ सकता हूं मैं, जितना पढ़ा था उतना ही है, ठीक है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन समझ लीजिए, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन से क्या होता है मालूम है, अगर आपके 2-3 मार्क्स पास होने से कम है, मतलब 35 अगर आपके पासिंग है और आपको 32-33 मिलता है अगर एग्जाम में, तो एग्जामिनर ये सोच के आपको 2-3 मार्क्स दे देता है, क्यों, क्योंकि आपने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा दिया रहता है। अगर आप अच्छा नहीं देंगे तो चलो आप बहुत अच्छे, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे स्कॉलर है आप, लेकिन आपने क्या किया है, आपने कितना मार्क्स का लिखा, 70 का, आपने 70 में से 58 मार्क्स आपने लिखा, ठीक है, और आपका एक्यूरेट कितना मालूम है, 56 एक्यूरेट है, दो मार्क्स आपके सिर्फ कट हो रहे, तो एग्जामिनर क्या क्या चेक करेगा मालूम है, अगर आप टॉपर बनते जा रहे हो तो आपका चेक क्या करेगा, क्या आपने आंसर बॉक्स में किया है कि नहीं, समझ में आया, आपने आंसर अगर बॉक्स में किया है तो मार्क्स तो कट होने ही वाले नहीं, 100% मार्क्स नहीं कट होंगे, लेकिन अगर बॉक्स में नहीं किए हो तो यहां से वो आधा मार्क्स कट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एग्जामिनर एक ऐसा इंसान है, याद रखो कि आपके मार्क्स हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, लेकिन कब, जब आपके हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे तब, और लोएस्ट रहेगा तो कोशिश करेगा पहले पास करने की, कब पास करने की कोशिश करेगा, जब आपके पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे रहेंगे, अगर नहीं रहा तो आपको तो फेल होना कंपलसरी, आपको होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। और क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये आपका हो गया आंसर के साथ, क्या हो गया, न्यूमेरिकल का हो गया, थ्योरेटिकल, अब एक चीज और ध्यान दो कि जब भी साइंटिस्ट के ऊपर अगर कोई आपका थ्योरी आता है, साइंटिस्ट के ऊपर अगर कोई थ्योरी आता है, याद रखो तो मेरी बात ये ध्यान से सुनो, जब भी कोई साइंटिस्ट के ऊपर थ्योरी आता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप आ गया न्यूटन्स लॉ की बात, क्या फॉर्मुलेटेड दी न्यूटन्स लॉ, डिफाइन न्यूटन्स लॉ, ऐसा आ सकता है, तो न्यूटन्स लॉ जब भी आएगा ना तो आप लिखते हैं ऐसा, इट इज डिफाइंड एज दी, या फिर ऐसा लिखते हैं इट इज स्टेट दैट, ऐसा लिखते हैं आप इट इज स्टेट दैट, तो याद रखो इसके बाद जब आप लिखते हैं तो यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से आप स्टार्ट करेंगे, क्या होता मालूम है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ना हर जगह नहीं लगाया जाता है, लेकिन ऐसा स्पेशल केस में लगाया जाता है जहां पे कुछ इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि भाई ये सेंटेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे ना तो वहां से भी पेपर प्रेजेंटेशन का जो आपका लुक है, जो व्यू है, वो भी एग्जामिनर पर अच्छा जाएगा, उसका भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ने वाला है, समझ में आया। तो फिजिक्स के जो कुछ पार्ट थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, अब देखिए स्टूडेंट्स ये सब मार्किंग स्कीम तो हो गया, चलिए, लेकिन आपको एग्जाम में जब जा रहे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या मालूम, फिजिक्स में आपको डर बहुत लगता है, डरना नहीं है, फिजिक्स का पेपर एकदम लो, अगर आपको हार्ड जाता है तो टेंशन लेना नहीं है, एकदम इजी वे में आप उसको पढ़ो पेपर को, पेपर में क्या क्या दिया एकदम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर आप डरते हो कोई भी पेपर के अंदर तो आपका कॉन्फिडेंस, देखो जो आप याद करके जा रहे हो ना, जो आप मेमोराइज करके जाते हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया तो आप 50% वहीं पे भूल जाओगे, जो आपको थोड़े बहुत याद है वो तो पूरी तरह भूल जाओगे, और जो अच्छे से याद है वो तो 50% रह जाएगा याद होकर, याद रखो, इसलिए बोल रहा हूं कोई भी पेपर हो एकदम इजी वे में लो, और फिजिक्स का पेपर ज्यादा मुश्किल पेपर आता नहीं एग्जाम के अंदर, ये भी याद रखो, ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव भी अच्छे से आता है तो इसका मैक्सिमम प्रॉब्लम और डेरिवेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, और डेरिवेशन और प्रॉब्लम एक बार सॉल्व कर लेते हो अगर आप, तो आपको समझ लीजिए 40-45% ऑफ मार्क्स यहीं पर लेकर आ जाओगे, ठीक है। रिमेनिंग 50% इसके अंदर भी थ्योरेटिकली पार्ट बहुत पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली पार्ट नहीं पूछा जाता है, थ्योरी भी बहुत ज्यादा इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, थ्योरी भी पार्ट पूछा जाता है, तो थ्योरी के अंदर भी आप उसको यूज कर सकते हो, थ्योरी भी आप पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से आपको थ्योरेटिकली पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप मतलब 10 मार्च में आपको पेपर होने वाला है फिजिक्स का, और अच्छे से लिखिए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, ताकि आप भी फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाओ फ्यूचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला नेक्स्ट पेपर जो होगा वो
केमिस्ट्री के ऊपर होगा, तो केमिस्ट्री का भी कुछ टिप्स मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर आपको कैसे आपको रिएक्शन याद करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आऊंगा मैं केमिस्ट्री के ऊपर लेकर आऊंगा कि क्या आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन याद कैसा करना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम आपका चल रहा है, आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट देने वाले हैं वो सब यहाँ पे आपको पता हो सके। थैंक यू।